हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे काफ़ी व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि जब रजनीगंधा पर फ्लावर स्पाइक आती है, उसमें फ्लावर्स खिलते हैं और जब वो सूख जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो वो फूल की टहनी है यानी जो फ्लावर स्पाइक है जिस पर फूल खिल चुके हैं, उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक हरी भरी रहती है। तो काफ़ी व्यूअर्स को समझ नहीं आता है कि इसको कट करना चाहिए या नहीं, इस पर फ्लावर्स फिर से आएंगे या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने रजनीगंधा यानी ट्यूबरोज प्लांट की फ्लावरिंग शेयर की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। हमारी जो वीडियोस होती हैं उसमें ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन और क्वेरीज़ होती हैं, जैसे बहुत से आंसर तो हम कमेंट बॉक्स में भी दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको पूरा डिटेल में क्लियर करना ज़रूरी होता है, समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में, तो उस पर हमने सोचा एक वीडियो आपसे शेयर करनी ही चाहिए। तो बहुत से प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर स्पाइक में फ्लावर्स आते हैं, और ख़ास तौर पर जो बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी बल्ब से जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर फ्लावर स्पाइक आती है, नीचे से एक टहनी आती है बल्ब में से, उसी में ही फूल खिलते हैं, जैसे कि अमेरिलिस लिली है, फुटबॉल लिली है, रजनीगंधा है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं इसमें इस तरह की ही फ्लावर स्पाइक आती है, और भी इसी तरह के काफ़ी प्लांट्स हैं। तो बहुत से प्लांट्स में सीड्स भी बनते हैं, जैसे कि अमेरिलिस लिली में हमने आपसे सीड शेयर किए थे और फुटबॉल लिली का भी हमने सीड आपसे शेयर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो रजनीगंधा में भी जब फूल खिल चुके होते हैं तो इस तरह से कुछ सीड पॉट जैसा दिखाई देता है, लेकिन क्या हमें इनको बचाना चाहिए यानी कि ये फ्लावर स्पाइक कट कर देनी चाहिए या इसको रखना चाहिए? तो जैसे कि अमेरिलिस लिली में भी सीड बना, फुटबॉल लिली में भी सीड बना, तो उसमें इजीली सीड बन जाते हैं अगर बल्ब हेल्दी है तो। लेकिन जो ये रजनीगंधा है, जब इस तरह के इसमें आपको सीड पॉट दिखाई देते हैं तो इसमें सीड्स नहीं बनते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपके पास ये सीड आपको मिलेंगे, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर केसेस में ये सीड्स नहीं बनते हैं। तो जो फ्लावर स्पाइक है यानी जब फूल खिल चुके हों तो आपको ये फ्लावर स्पाइक कट कर देनी चाहिए। ये ग्रीन होती है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ब्रांच तो नहीं है, लेकिन बल्ब वाले प्लांट्स में कभी भी ब्रांच नहीं होती है, उनमें पत्तियाँ आती हैं बल्ब में से और फिर फ्लावर्स आते हैं, और फिर वो फ्लावर जब सूख जाते हैं तो उनकी जो फ्लावर स्पाइक है, टहनी है, उसको कट कर देना होता है। अब जैसे ये फ्लावर स्पाइक आई है, नीचे से देखिए पूरी ग्रीन है और इसके साथ पत्तियाँ भी आती हैं, पत्तियों के साथ साथ बनती है और नीचे से इसकी फ्लावर्स खिलने शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले नीचे से फूल खिलेंगे और फिर धीरे जब नीचे के फूल सूखते जाएंगे तो ऊपर के फ्लावर्स खिलते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा ऊपर जाकर जो आखिरी फूल होगा, वो फूल खिलने के बाद आपको ये फ्लावर स्पाइक कट कर देनी है। जैसे कि ये है, ये पूरी तरह से इस पर फूल खिल चुके हैं तो अब हम इस फ्लावर स्पाइक को कट कर देंगे। एक वजह और भी है इसको कट करने की, क्योंकि इस पे सीड्स तो बन नहीं रहे हैं, और जो रजनीगंधा यानी ट्यूब रोज की प्रोपगेशन है यानी कि इसको जब आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये बल्ब से इजीली ग्रो हो जाते हैं, प्रोपगेट हो जाते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं बल्ब से, तो आपको सीड की कोई ज़रूरत नहीं है और सीड्स बनेंगे भी नहीं, बहुत रेयर कंडीशन में ही सीड्स बनते हैं, तो इसको इस तरह से हमको कट कर देना है। अब जैसे अमेरिलिस है या फुटबॉल लिली है, कैसे पता चलेगा कि इसमें सीड्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? तो जो स्टिक है वो काफ़ी समय तक ग्रीन रहती है, और अगर जो उसका जो जहाँ से फूल सूखा है वहाँ से अगर जो सीड पॉट बनता हुआ आपको दिखाई देता है तो कुछ दिन वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें सीड बन रहे हैं तो उसको रहने दीजिए, वरना उसको कट कर दीजिए, वो सूख जाएगा धीरे धीरे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सीड्स नहीं बनने वाले हैं, तो उसको कट कर देना चाहिए। और फालतू में ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहेंगे प्लांट से, क्योंकि ये ग्रीन रहता है काफ़ी समय तक, क्योंकि इसमें पत्तियां भी बनी हुई हैं आप देख सकते हैं, और काफ़ी समय के बाद ये सूखता है जा करके, तो इसीलिए इसको कट कर देना चाहिए। और भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछें, और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।